please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया में और मैं इस वक्त मौजूद हूं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है सुधीर सिंह चौहान जी, सीनियर टाउन प्लानर। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आज सर से बात करूँगा, जो हमारा एरिया है गुड़गांव, इसमें अभी कई सारे लोगों को चीज़ें नहीं पता कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्या काम होता है। और इसके बाद जो हमारा एरिया है जहां हम रहते हैं, यहां पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट में कहीं ग्रीनरी छूट रही है, तो उसके बारे में सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची होती जा रही हैं, कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो अरावली के जंगल हैं उन्हें काटते जा रहे हैं। तो सर, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट और हरियाली हैंड टू हैंड नहीं चल पाते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट आता है तो कहीं ना कहीं हरियाली पे सेक्रीफाइस करना होता है। पर सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि हम हरियाली को मिटा दें और उसको दोबारा उगने ना दें। तो जब हम अर्बन एरियाज़ में डेवलप करते हैं तो फिर हमें ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करना पड़ता है, उसके साथ में जो पुराने हमारे संसाधन होते हैं, जैसे कि हमारे पुराने जंगल हैं या हमारे पुराने नदी के स्रोत हैं या पानी के स्रोत हैं, उन सबको हमने जिंदा रखना पड़ता है। तो उसके लिए नगर निगम हमेशा से तत्पर है, हम लोग ग्रीन बेल्ट्स को भी डेवलप करवा रहे हैं। अरावली में हमने जो है खुद ही फॉरेस्ट को एरिया दिया हुआ है और उनको अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए हमने लैंड दी हुई है। इसके अलावा जो हमारे पास पॉन्ड्स हैं या जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, रिजोनोवेट कर रहे हैं और उनको हम लोग एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरह से नगर निगम का पूरा ध्यान है कि जो भी ग्रीन बेल्ट है और एरियाज़ हैं उनको मेंटेन किया जाए और हरियाली को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हम नागरिकों को भी जागरूक करना चाहेंगे कि वो लोग भी अपने घरों में जितने पेड़ लगा सकते हैं, जितनी ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं, तो वो उसको करना के शुरू करें। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वालों से भी बात चल रही है, मेट्रो ने भी अभी देखा ग्रीनरी करनी शुरू कर रखी है, वर्टिकल गार्डन्स की भी बात हो रही है। तो शहर में लंग स्पेसिस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। पोल्यूशन को लेवल को कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास में नेचुरल तरीके से, एंड दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना। तो उस पर वी आर वर्किंग ऑन। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या इलीगल है? नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ लीगल होती हैं, लेकिन उनका एक परसेंटेज होता है, 4% तक कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं और उनके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। पर जो लोग कन्वर्शंस कर रहे हैं, अपने लेवल पे कन्वर्शंस कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉटों को कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं या दुकानें वहाँ पर चला रहे हैं, तो वो एक तो गवर्नमेंट को उसमें रेवेन्यू का लॉस होता है, क्योंकि जो कन्वर्शन चार्जेस होते हैं वो कमर्शियल के काफ़ी हाई होते हैं, रेजिडेंशियल के कम होते हैं। एक तो वो रेवेन्यू लॉस है, दूसरा वो लोग वहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं, कमर्शियल को स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो हेल्थ हजार्ड भी हो जाता है, साथ साथ में वो फायर हजार्ड भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बॉम्बे में और दिल्ली में कई जगह ऐसी जगहों में आग लगी है जहाँ पे प्रॉपर्टीज कमर्शियल नहीं थी, अनऑथराइज भी कमर्शियल चलाई जा रही थी। तो इसीलिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। सरकार परमिशन देने के बारे में बहुत ज़्यादा लीनियंट है, फॉरन परमिशंस दे दी जाती हैं। इनफैक्ट हम लोग आजकल ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, नगर निगम में परमिशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप परमिशन लेने के लिए यहाँ आएँ, फौरन आपको परमिशंस दे दी जाएंगी। परमिशन देने से हम सबका फ़ायदा है, जानमान का भी फायदा होता है, रेवेन्यू की भी जनरेशंस होती है और आदमी की सिक्योरिटी भी होती है। आपने देखा होगा कि बिल्डिंगें फिर टूटती हैं तो उसमें नेशनल लॉस होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यही लोगों से कहना है कि आप परमिशंस लीजिए, रेजिडेंशियल में कमर्शियल परमिशंस दी जाती हैं, अनऑथराइज लिए आप लोग ना करें, क्योंकि वो तोड़ा जा सकता है, आपकी कई दिनों की कमाई वेस्ट हो सकती है और हो सकता है अगर तोड़ने में कोई देर लग जाए तो आपका बिजनेस भी जो आपने वहाँ सेटअप किया होगा वो भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमिशंस लेके काम करें, कमर्शियल्स अलाउड हैं बट उनका एक तरीका है, उनके एक मापदंड है, उनके अनुसार काम करें। सर, अभी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर चल रही हैं, तो उनको बंद करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए नगर निगम में स्पेशल दस्ता है, इन्फोर्समेंट का दस्ता है, जिसमें DTP मोहन सिंह जी लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इसको मिसयूज़ के श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि हमने यूज़ दिया होता है रेजिडेंशियल, आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो इस इज़ मिसयूज़। तो 261-262 हमारी दो धाराएं हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव की, जिनके तहत ये कार्रवाई की जाती है, जिसमें सीलिंग भी की जा सकती है, उनको तोड़ा भी जा सकता है और FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। तो ये सिर्फ आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपकी इज्जत का भी नुकसान होगा। तो बेहतर है कि हम परमिशंस लेके काम करें और अनऑथराइज्ड काम ना करें।
सर अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास 1,000 शिकायतें आई हैं अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मतलब इस पर आपका क्या टेक है? नगर निगम में जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको प्रायोरिटी पे तत्परता के साथ में उन पर काम किया जाता है। हमारे पास शिकायत आने के कई सोर्सेज हैं, कुछ शिकायतें हमारे पास सिंगिंग विंडो से आती हैं, कुछ शिकायतें हमारे पास जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से आती हैं, कुछ शिकायतें हैं जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी को देखते हुए किसी भी चीज़ को देखते हुए डायरेक्ट कमिश्नर को अप्लाई कर जाते हैं, कुछ लोग हमारे पास भी आके मिलते हैं। तो इन सभी पे तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। आपकी बात में कभी कभी देरी हो जाती है क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसके अलावा जो देरी होती है वो होती है कानून के कारण, क्योंकि हमारे प्रावधान है कि हमें 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही हम कार्रवाई कर पाते हैं। तो बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जी मैंने आज ही कंप्लेंट की थी और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से की जा रही हैं। हालांकि थोड़ी संसाधनों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई तो होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है कभी कभी। अभी आपने सर बताया कि शिकायत करने के कई सारे तरीके हैं, सबसे सही तरीका कौन सा है जिस पर कार्रवाई जल्दी होती है? सबसे सही तरीका यही है कि आप हमारे पास आके विभाग में डायरेक्ट DTP इन्फोर्समेंट को कंप्लेन करें, क्योंकि वो तुरंत रजिस्टर कर लेगा। बाकी जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से डाक में मार्क होते हुए आएंगी, हो सकता है उनमें 2-4 दिन की देरी हो जाए, पर DT इन्फोर्समेंट को जो भी आप कार्रवाई के लिए अप्लीकेशन देंगे उस पर तुरंत ही कार्रवाई होगी। आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, आप हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, आप हर जगह में कंप्लेन कर सकते हैं और वो एंटरटेन होती हैं। सर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आगे जब कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी है, तो वो कहते हैं कि हमने टाउन प्लानिंग कमीशन को ये बोल दिया है, वो देख रहे हैं, आप उनसे बात करिए। तो आप इसमें रोल क्लेरिफाई करिए दोनों चीज़ों का, किसकी किसका क्या रोल है। अवैध कार्रवाइयों के लिए DTP इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो कार्रवाई हमने सरकारी ज़मीन के ऊपर करनी होती है तो जॉइंट कमिश्नर्स के पावर नगर निगम के एक्ट के तहत निहित होती हैं। तो उन पे जो अगर नगर निगम की भूमि पे कोई अतिक्रमण करता है या कोई गलत इमारत करता है तो जॉइंट कमिश्नर्स कार्रवाई करते हैं, और अगर किसी बिल्डिंग को कोई बिना प्लान सैंक्शन किए बनाता है, गलत जगह पे बनाता है और निर्धारित मापदंडों से अलग हटके बनाता है, तो उन सब के लिए DTP इन्फोर्समेंट काम करते हैं। उनके साथ में 3 SDO इस समय दिए हुए हैं, इसके अलावा उनके पास में कम से कम 16 लोगों की टीम है हर जोन में, तो वो लोग लगातार लगे होते हैं, उसमें हेल्पर्स भी हैं उनके पास में, बाकी स्क्वाड भी है। तो स्टाफ देने की कोशिश उनको की जा रही है, उनको एम्पावर्ड भी किया गया है और कार्रवाई करेंगे, वो कर रहे हैं मोस्टली। तो सर जो हमारा ये एरिया है गुड़गांव, गुड़गांव में बहुत सारे बिल्डर्स हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, तो जब पोजेशन में कई बार देरी आती है तो प्लानिंग कमीशन पर डाल देते हैं कि भाई हमें यहाँ से सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे और इनकी वजह से देरी हो रही है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं बिल्डर्स को, और उसमें मतलब क्या कारण है देरी का, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। टाउन प्लानर्स जो हैं स्कीम के तहत जो भी हमने स्कीम सैंक्शन की हुई हैं उनमें कभी कभी बिल्डर्स परमिशन देने में देरी कर देते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने की जानी चाहिए थी, जो परमिशंस उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट से ली जानी चाहिए थी वो नहीं ली होती है, और वो वैसे ही अप्लाई कर देते हैं बिना कागज़ों को पूरा किए, तो इसलिए मुश्किल होती है। अगर कागज़ पूरे होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए बिल्डर्स को, पर बिल्डर्स का अपना एक मैकेनिज्म है, काम करने का तरीका है। लेकिन इसके लिए भी अब सरकार ने रेरा का गठन कर दिया है, तो उसमें से वो बच नहीं पाएंगे। मतलब अब बदमाशी करके बचना मुश्किल है, बदमाशी करने पे तो रोक नहीं है पर बच पाना मुश्किल होगा मेरे लिए। सर आप क्या हमें बता पाएंगे कि एक बिल्डर को टाउन प्लानिंग कमीशन से कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं? जी हाँ, एक टाउन प्लानर से, एक चाहे वो नगर निगम हो या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, उनको एक तो सबसे पहले अपना लेआउट प्लान सैंक्शन कराना होता है। लेआउट प्लान सैंक्शन कराने के बाद में उनको वहाँ पे अपने अलॉटमेंट्स करते हैं, उसके बाद में बिल्डिंग प्लान सैंक्शंस कराने होते हैं। बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के बाद उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो बहुत ज़्यादा बिल्डर्स ने वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है जिसमें कि निर्धारित मापदंडों से उन्होंने कॉलोनी डेवलप की है या नहीं की है, ये चीज़ देखी जाती है। तो उसमें कमी रह रही है, और जैसे ही वो कमी पूरी हो जाएगी, नगर निगम भी इन टाउन प्लानिंग जो भी हैं कॉलोनीज़ हैं जो कॉलोनाइजर्स की हैं उनको टेक ओवर करने की तरफ बढ़ रहा है। सर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का अब विज़न क्या है आगे, मतलब 2018 चल रहा है, मैं 19-20 में क्या करना चाहते हैं, एक आपका टारगेट क्या है गुड़गांव के अंदर? टाउन प्लानिंग विंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एम यही है कि जो शहर है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है उसको व्यवस्थित किया जाए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम जितनी भी हो रही हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए,
और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के लिए शहर में कार्य किया जाए। लोग जो भी परमिशंस के लिए हमारे पास में आते हैं उनकी परमिशंस उनको तुरंत दी जाएँ, और इसके लिए हम लोग एक कैंप भी लगा रहे हैं जिस कैंप में हम लोगों को बुला रहे हैं। 26 तारीख को हमारा कैंप है कि अगर आपके पास में आपकी ज़मीनें हैं पड़ी हुई हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उनका क्या करें, तो आप हमारे पास में आइए। जो भी लैंड यूज़ होगा उसका जो बेस्ट ऑफ द लैंड यूज़ हम लोग कर सकते होंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो एम यही है कि शहर व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और सुंदर हो। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और रियल्टी मीडिया से बात करी। रियल्टी मीडिया के दर्शकों ने जाना कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल होता है, और अगर बिल्डर्स देख रहे हैं तो उन्हें भी पता चलेगा कि उन्हें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेने हैं जिससे आगे जाके उन्हें अपने बायर्स को फ्लैट देने में देरी ना हो। रियल्टी मीडिया के साथ आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यंग डायनेमिक टीम है और इस ओर जागरूक है कि जो रियल इस्टेट है और स्टेक होल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, बायर्स हैं और सरकारी अफसर्स हैं, उनके साथ में बात करके जो समस्याएं बीच में लोगों को आ रही हैं जागरूकता ना होने के कारण, ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण, उनका निवारण किया जाए। तो सरकार अपनी तरफ से रेरा ला के इस ओर कोशिश कर रही है और आप लोगों को जागरूक करके कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ द बर्निंग ऑफ कैंडल ऑफ बोथ द एंड्स है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रियल्टी मीडिया को कि आप लोग आगे आएँ और बेहतर काम करें और लोग आप पे ट्रस्ट करें। राकेश सिंह की रिपोर्ट रियल्टी मीडिया के लिए, कैमरा पर्सन हर्षित चौधरी के साथ।